अब आप लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नहीं, रोज रोज शेयर ये बढ़ गया ये घट गया, ये इससे कुछ पैसा बनने वाला नहीं है, ये केवल मेंटल वो है। आप क्योंकि आप अभी आपका ही वीडियो ऑन है, आप मुझे बता दीजिए आज के 2 साल पहले जितने भी शेयर आपसे डिस्कस हुए थे, शायद दुखी हो के बेच भी दिए होंगे कई, और आज उनके नहीं रेट नहीं दुखी कर करके रखे अच्छा रखे थे, थे। तो अब हाँ, आज उनके और रेट आपने एक जुलाई में क्लास ली थी सर, अभी जो गया है जुलाई ना पिछले साल, तभी अच्छा आपने लिया था। और उस दिन मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी होती है, तो आपने स्पेशली डेट लिखवा के शेयर्स बताए थे कि 1 साल बाद एग्जैक्टली मैं आपकी क्लास लूंगा और शेयर्स बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं तो अब करके। आप अपने आप बताइए, देखो मुझे ना शेयर्स के नाम याद है ना डेट के नाम, आप बता मैंने दीजिए। पूरा वो लिखा हुआ है, उसकी फोटो भेज के मैंने सोचा था कि जुलाई में आपको वो फोटो भेज के मैं शेयर करूंगी तो और हाँ दिखाऊंगी आपको। तो नहीं आर यू सर, सब भाग गए, सब भाग तो गए। वही बात है। तो अल्टीमेटली सीखना यही है कि अगर अच्छे शेयर अच्छे रेट में जब मिल रहे हो, लेकिन उसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या है, अब लोग अगर HDFC बैंक से भी दुखी हैं तो क्या कर सकते हैं? और लोग नहीं, मुझे पता है क्योंकि तो अगर मैं शेयर मार्केट में हूं तो मुझे पता है अच्छे शेयर की यही एक पहचान होती है कि वो दुखी करके ही निकलेगा। हर किसी को पहले पहले दिन से पता है वॉरेन बफेट के डेफिनेशन कि शेयर मार्केट इज द प्लेस वेयर मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम इम्पेशेंट पर्सन टू पेशेंट पर्सन। कितने कितने दिन से लोग कहते हैं HDFC नहीं चल रहा, मैं तो कितने दिन से, 2 साल से, 3 साल से। अगर 3 साल से नहीं चल रहा और उसको आप, तो फिर तो आपको पता ही नहीं है, HDFC की ताकत ही नहीं पता लोगों तो स्टार्टिंग में को। सिर्फ यही आपकी यही बातें सुन सुन के सिर्फ सुनते थे। अब ये है कि अब 1.5-2 साल के बाद एक्सपीरियंस भी कर लिया, कर क्योंकि रहे हैं ना, दोनों मैं तो साइकिल कहता देख हूँ लिया कोई भी ना। एनीवन, मैं तो लाइफ में हमेशा इसलिए कहता हूँ, कोई भी बताइए कि जो आपने 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो शेयर्स रखे थे, या आपने लोगों ने सन टीवी बेच दिया, लोगों ने अवंती फीड बेच दिया, लोगों ने HDFC AMC बेच दिया, पता नहीं अच्छे अच्छे शेयर सब नहीं चल रहे, नहीं चल रहे, नहीं चल रहे, नहीं चल रहे। नो डाउट आज भी उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आज भी नहीं चल रहे, मे बी जैसे कि रिलैक्स हो आज भी नहीं चल रहा, लेकिन कितने दिन, मुझसे इफ यू आस्क मी हुआ कितना, 2 साल 3 साल। अगर आप इक्विटी में 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा बेटा 1 साल पहले 11th में आया था, और तब से मैंने उसके उसके जो ग्रेजुएशन का पैसा है वो मैंने FD में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। आई हैव टोल्ड यू दैट 2 साल पहले से, अगर हर 6 महीने में इक्विटी, तो मैं भी अपने पैसे को पहले इक्विटी में रखता कि मेरा बेटा 12th में जाएगा तब मैं निकालूंगा। मुझे पता है कि इक्विटी की एक अपनी ये ना, जो आदमी इक्विटी को हर 6 महीने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को देख रहा है, इसका मतलब उसको इक्विटी की नॉलेज ही नहीं, नॉलेज नहीं। और समस्या क्या है कि लोग इक्विटी उनसे खरीद रहे हैं या उनसे सीख रहे हैं, जो जो लोग दे आर अर्निंग नॉट बाई इक्विटी, दे आर अर्निंग बाई दे आर यूट्यूब चैनल्स, मे बी दे आर अर्निंग दे आर सम स्मॉल केस, मे बी अर्निंग दे आर फ्रॉम दे आर बुक्स, मे बी अर्निंग फ्रॉम दे आर सम क्लासेज एंड ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ आज भी, आई डोंट नो वो पर्सन लाइव होंगे तो बता रहे, आज भी मेरे पास मैसेज आया है, सर वो PMS वाले में आप पैसा लेते थे वो ले लो ना, वो नहीं चाहिए मुझे पैसे। जो इंसान इक्विटी से कमाता है उसको इस सब चीजों से पैसा नहीं चाहिए, सिंपल सी बात। मैं आपको बता रहा हूँ जो इंसान इक्विटी से कमाता है, ऐसा नहीं कि मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट, लेकिन वो भी मैं उनको उतना ही जोड़ता हूँ उतने टाइम तक कि जितने, अगर आप सीखने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको फायदा है। अगर आप सोचे कि मैं आपके साथ जुड़ जाऊं और मैं आपको टिप देता रहूं या ऐसा कुछ, तो फिर तो बहुत प्लेटफॉर्म ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म, तो यू आप जाइए सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, इतने ही पूछिए, उनका कोई लिमिट ही एक नहीं फ्रेंड को भी मैंने जोड़ा सर, और बहुत खुश थी वो, मुझे है। स्पेशली फोन करके थैंक्स बोल रही थी कि संध्या थैंक यू सो मच, तुमने मतलब इतने अच्छे सर से मिला दिया, वो तो कमाल के हैं, ये है वो है। मैं आपको बता रहा हूं और आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जहां तक मेरी जितनी समझ जितनी बुद्धि कहती है, जैसे अभी 5 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं, 5, जिन्होंने एबी के पास अपना न्यू फंड ऑफर का वो दिया है, न्यू फंड ऑफर लाने जा रहे हैं लार्ज कैप में। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं आप लोगों को आज जो चीज सिखाने जा रहा हूँ, जब म्यूचुअल फंड कंपनियां एक ऐसा फंड लाने लगे जो एक स्पेसिफिक शेयर या स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ शेयर या स्पेसिफिक बिजनेस प्लान को वो हो, तो समझ लीजिए कि अब उस सेक्टर में बहुत तेजी से बूम आने वाला है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, आज के 1 साल पहले, आप गूगल कर लीजिएगा आप लोग, काम आएगा आप लोग को, 1 साल पहले लगभग लगभग
हर अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी डिफेंस फंड लेकर आई थी, डिफेंस फंड। और आपने देखा होगा एक साल में डिफेंस शेयर के, मैंने डिफेंस कोई शेयर नहीं खरीदे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मुझे कोई फेथ नहीं है, मुझे गवर्नमेंट शेयर पे फेथ नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं गवर्नमेंट शेयर नहीं खरीदता। मेरा गवर्नमेंट शेयर खरीदने का कैटेगरी है वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, डिफेंस शेयर। आज भी लोग एचएयर खरीद रहे हैं, तो कोई रेलवे का टीटागढ़ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, ना उसमें मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, ना मुझे उसमें कैश दिख रहा है, ना मुझे कुछ दिख रहा है। और मुझे ये नहीं पता कि 4 साल के बाद भाई मोदी जी हैं, ही इज डूइंग एक्सीलेंट वर्क, कितने दिन, कितने दिन, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो अगर 2, 4, 5, 10 साल का विजन नहीं है इक्विटी में, तो वो इक्विटी में रहने का कोई फायदा नहीं, मेरा सिंपल सा मानना है। अभी जो इक्विटी में जो नए फंड आने वाले हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा लार्ज कैप फंड बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियां लार्ज कैप फंड लेकर आ रही हैं। अब अगर लार्ज कैप फंड बहुत तेजी से आ रहे हैं, इसका मतलब सिंपल ऐसे होते हैं, बहुत सारी कंपनियां एनएफओ लेकर आएंगी, एनएफओ लेकर आएंगे, सब लोग उस एनएफओ में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास उतना पैसा आएगा, वो पैसे से लास्ट अल्टीमेटली वो लार्ज कैप कंपनियां खरीदेंगी, लार्ज कैप कंपनियां की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कहाँ जाएगा, विजुलाइज, ऐसा सिंपल। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी आपको अगले 1, 1.5, 2 महीने फरवरी तक में आपको बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स नए आ रहे हैं, तो ये आपके लिए। दूसरा, जब भी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, वेन एवर इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन, तो होगा क्या कि जो अभी जो इंडिया से एफआईआई ने पैसा निकाला था, क्यों निकाला था, क्योंकि इंडिया में हो रहा था कि 8% 10% कमाते हैं इंडिया के इक्विटी मार्केट में लगा के। इंडिया देखिए, HDFC या HUL या रिलायंस 10, 12, 15% ही देंगे, दे विल नेवर गिव यू कि 50% साल का देंगे, ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नाउ इफ दे विल बी गिविंग यू 10, 12%, 10, 12%, एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई एम पुटिंग माई एफ डी माई मनी इन टू एफ डी एंड गेटिंग 8% विदाउट रिस्क, बिकॉज ये 10, 12 देंगे, पता नहीं इस बार देंगे अगली बार नहीं देंगे, ये नहीं पता, लेकिन वो तो दे विड्रू देयर मनी एंड पुट इट इन द FDs एंड ऑल, कि हाँ जी वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे तो इसलिए पैसे निकले, FIIs ने पैसे निकले। अब जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो फिर दिस 10, 12% विल बी लुकिंग हायर, तो वो पैसा फिर ट्रांसफर होगा, ये ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। एंड दिस इज पिछले 20-25 साल से तो मैं तो यही देख रहा हूँ। एंड आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी मैंने डाला भी था, चलिए आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़े मजे। देखिए इंडिया में कैसे पैसा लोग गिराते हैं, सीरियस, लेट मी शो यू, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी रिकमेंडेशन, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू हाउ टू एनालाइज द शेयर्स, तो प्लीज मैं एक शेयर दिखा रहा हूं आपको, मतलब अगर किसी को थोड़ी सी भी ना, कोई कहता है सर टैक्स का ये आ गया वो आ गया इसलिए शेयर गिर गया, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल पर्सन था तो उसे बहुत अच्छी तरह पता था, जिसने सुनील त्रिपाठी के 2 क्लास भी किया होगा उसको पता था कि देयर इज एबनॉर्मल रन इन द चार्ट, कुछ नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल, बार बार बताता हूं, हर क्लास में बताता हूं कि चार्ट इज वाई एक्सिस के पैरेलल, रीजन कुछ भी बनेगा, रीजन बनेगा मोदी जी को छींक आ गया, रीजन बनेगा राहुल जी को छींक आ गया, रीजन बनेगा बाइडन मर गए, रीजन बनेगा कि पता चलेगा सिंगापुर टूट गया, रीजन बनेगा यूक्रेन हो गया, रीजन कुछ भी होगा, रीजन कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। अगर यही न्यूज, ये एबनॉर्मल रन ना होता इस चार्ट में, तो दियो सेम न्यूज पे ये चार्ट गिरता 2%, 4%, और ऐसा बहुत कंपनियों में हुआ है, लेकिन देयर वॉज एबनॉर्मल रन, इट वॉज बाउंड टू गो डाउन, जाना था इसको, कब जाना था, कैसे जाना था, होगा एबनॉर्मल रन है तो उस एबनॉर्मल रन का करें। देखिए चार्ट में, अब देखिए देयर इज गैप इन द चार्ट, ठीक है, सबको गैप थ्योरी पता है, सबको गैप थ्योरी पता है, होना है इसको, जान लो ये होना है, आप समझो, मतलब क्या वही है, हम बिहेव ऐसे करते हैं, हमें पता ही नहीं है। ये देखिए आपको मैं एक शेयर दिखाता हूं, इसी को पहले पॉलीकैप, देखिए पॉलीकैप का मार्केट कैप अगर मैं इसके बेसिस पे दिखाऊं, 20% डाउन का अगर मैं दिखाऊं, 60 है, यानी ये हो गया 80%,
तो करीब करीब 75,000, करीब करीब आपका यहाँ से 15-18 हजार करोड़, 18 हजार करोड़ का या 20 हजार करोड़ का मार्केट कैप आज आज में गिर गया। 1,000 करोड़ का उसके ऊपर नोटिस आया है, 1,000 करोड़ का नॉन टैक्स वाला, नॉन टैक्स वाला रेवेन्यू 1,000 करोड़ पे। अगर वो वैसे 18% का इज द मैक्सिमम टैक्स, लेकिन मैं कहता हूं 20% टैक्स, 30% टैक्स इंडिया में इनकम टैक्स लगा दो उसके ऊपर। तो 1,000 करोड़ पे 3,000 करोड़ का टैक्स बने, 300 करोड़ का टैक्स बनता है। 300 करोड़ में आपका मार्केट कैप गिर जाता है 20,000 करोड़ का। क्या लॉजिक है? अगर वो पूरा टैक्स उसको देना भी पड़ गया, इफ कंपनी हैव टू पे पूरा पूरा 300 करोड़ देना पड़ गया, चलो 1,000 करोड़ देना पड़ गया, ये तूने बिना टैक्स के बेचा, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, इफ यू अज्यूम दिस कि टैक्स, उसने क्या कहा है, 1,000 करोड़ का ऐसा रेवेन्यू है जिसके ऊपर, जो कि नॉन टैक्स करके उन्होंने वो किया, जिसके ऊपर टैक्स नहीं वो किया, ऐसा रेवेन्यू जनरेट हुआ है जिसके ऊपर टैक्स पेड नहीं, ठीक है जी। 1,000 करोड़ पे कितना टैक्स बनेगा? 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 5,000 करोड़ तो टैक्स नहीं बनेगा ना। 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ ले 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 भाई, तू ही ले जा, नहीं लड़ूंगा मैं, सुप्रीम कोर्ट में हार गया मैं, बोलो। और मार्केट कैप कितना गिर गया? 20,000 करोड़। क्या लॉजिक है? अब इससे आपको यह सीखना है पहली बात कि अगर ये सही गिरा है तो लूट लो, और अगर ये गिरा क्यों है, कहीं पास्ट में एबनॉर्मली कहीं बढ़ तो नहीं गया था झूठ मूठ का, ये दोनों आपको सीखना है। ये झूठ मूठ का गिरा था, कोई बहाना चाहिए था, एक बहाना मिल गया, इसलिए गिर गया, वो बहाना मिला है बस। तो इज देयर एनी एबनॉर्मल रन इन टू द चार्ट? आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन कि अगर आप खरीदो नहीं खरीदो क्या करो कुछ, मुझे नहीं पता, आपकी बात, यू हैव टू सी, विजुअलाइज करो, देखो वैल्यूएशन क्या है, कितना सेल्स बढ़ा था पिछले 5 सालों में, कितना प्राइस बढ़ा था, कितना कैश फ्लो बढ़ा था, कितना प्रॉफिट बढ़ा था, ईपीएस ग्रोथ क्या था। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था, काम खत्म, और ये तो होना था। उस अगर मैं चार्ट को देख रहा हूं, मुझे चार्ट में दिख रहा है कि हाँ चार्ट में एबनॉर्मल रन था, उस एबनॉर्मल रन को तो उसने कभी भी, मैंने तो आप लोगों को 10 बार बताया, इफ देयर इज एबनॉर्मल रन इन टू द चार्ट, ये आपको दुखी करेगा, इसलिए एबनॉर्मल रन है तो आपको चुपचाप अपने आप तैयार रहना चाहिए कि हाँ जी कुछ ना कुछ होगा। तो प्लीज इन सब चीजों को मैं बताता हूं, प्लीज मुझे बहुत दुख होता है जब स्टॉक मार्केट को बिना सीखे लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं। देखिए दिखाता हूं मैं, किसी के पास है क्या, किसी को याद है, हम लोगों ने आज के 2 साल पहले कभी डिस्कशन किया होगा स्टॉक का, है किसी को, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले किसी ने डिस्कशन किया होगा? आप लोगों ने बेच दिया जी, खराब है खराब है, बेच दिया जी, नहीं चल रहा है, सर है मेरे आप पास सर सर है, हाँ नहीं, नहीं नहीं चल रहा था ना 1-1.5 साल से, 2 साल से नहीं चल रहा था, ही रखा हुआ था सर। रखा हुआ है, बस वही बात है, पेशेंस पेशेंस, यही पेशेंस है। अच्छे अच्छे को रखोगे तो वो, देखिए एक चीज बताइए, सर मेरे को एचडीएफसी और सिंपल बिटकॉइन सिंपल ये पता है कि मुझे साल का 12-15-18% कमाना है, यही कमाना है भाई स्टॉक मार्केट से। अगर मैं सोचता हूँ हर साल मैं 40% कमाऊंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, दिस इज रॉन्ग थियरी एट ऑल, दैट कैन बी डन ओनली बाय ट्रेडिंग। एंड आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू आर वर्किंग समवेयर, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई अपने बिजनेस में लगा हुआ है, सबको पैसा लगा के यू है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट अर्न मोर देन एट व्हाट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी इज ग्रोइंग बाय 12-13%, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमिनल, एंड आप यू थिंक कि हाँ जी मैं तो इससे 50% कमाऊंगा, तो थॉट प्रोसेस ही गलत है, ठीक है जी, अच्छे टाइम पे थोड़ा सा खरीद देंगे, अच्छे टाइम पे थोड़ा सा बेच देंगे, तो 12-13 को हम 15-16-17 बना देंगे, दिस इज द लर्निंग कि हाँ जी एक अच्छा शेयर और एक अच्छा टाइम, इसका कम्बिनेशन करने की कोशिश करें। अब खरीदा था 2 साल पहले नहीं चला, आज पता चला कि 2 दिन में 20% बढ़ गया, काम खत्म, बात बराबर है, वो बढ़ दोनों जाएगा HDFC AMC और निप्पॉन दोनों 80% प्लस हैं सर दोनों। है ना। अब कितने दिन नहीं चले थे सर, दो अभी सर 2 साल से माइनस में था सर, साल से माइनस में था ना, अब 80% तो प्लस है दोनों। इस नाम तो चल ही नहीं रहा था सर, आप लेकिन बताइए, अब भागा है। अनिल जी आई थिंक आपको मैं बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं, मे बी कि आप बताइए, उन शेयर्स को सोचिए जो आज के 2 साल 2.5 साल पहले आपने एक्युमुलेट करना शुरू किए थे ऑन द बेसिस ऑफ आवर दीज क्लासेस, यस सर, आप उनकी हालत बताइए कैसी है सर सारे 50-60% से सारे अप है सर अभी। ना। अब एक दूसरे ग्रुप ऑफ शेयर्स हैं, मैं नाम लूंगा लेकिन नॉट फॉर एग्जाम्पल, दूसरे ग्रुप ऑफ शेयर है जो नहीं चल रहे हैं,
मेरिको नहीं चल रहा, एचयूएल नहीं चल रहा, एचडीएफसी नहीं चल रहा, कोटेक नहीं चल रहा, एक दूसरे ये भी 2-3 साल के बाद फिर ऐसे ही होगा कुछ। यही आपको देखना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विच गुड शेयर्स आर नॉट मूविंग और हैव नॉट मूव्ड फॉर फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, 1.5 इयर्स, 3 इयर्स, वो वही है। यही तो आपको करना है, यही तो सारा नॉलेज है सर। ये तो चलता ही नहीं है, तो रोज क्लास लेके क्या फायदा, रोज क्लास नहीं लेना है। प्लीज अपने विजन को, मैंने कहा ना पैसा, जो लोग सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई आपसे कोर्स कराने के लिए पैसे मांगता है, ध्यान से सुनिएगा कि जी मैं तो ये कोर्स कराता हूं, नो डाउट मैं भी सर्विसेज देता हूं, लोग मुझे पैसे देते हैं, मैं स्कूलों में जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं काम करता हूं, मुझे पैसे आते हैं। लेकिन अगर मैं कोर्स कराने के लिए पैसे मांग रहा हूं, मैं बुक्स बेच के पैसे कमा रहा हूं, मैं अपने आप, तो मैं इसका मतलब मैं इक्विटी से नहीं कमा रहा। जो इक्विटी से कमाने वाला है वो अपना इक्विटी में दिमाग लगाता है, उसको इक्विटी से पैसा इतना आता है कि वो 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार कलेक्ट करके, फीसिस कलेक्ट करके वो पैसा नहीं कमा सकता। दैट वो समझ लो उल्लू बना रहा है वो पर्सन। और आप लोगों ने बड़े घनश्याम वनश्याम ऐसे वाले बहुत का केसेस आई थिंक, अगर आप इक्विटी मार्केट में जुड़े हैं तो 2-4 साल में देख लिए होंगे, वो कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो प्लीज अपने विजन को बड़ा करें, अच्छे शेयर अच्छे रेट पे खरीदें, सिचुएशन देखें, हाँ अभी क्या है। अगर मुझसे कोई पूछे तो ऐसे शेयर जो कि पिछले 2-3 सालों में नहीं चले, निफ्टी में हैं, अच्छे शेयर हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे शेयर, लेकिन आप वर्लपूल बहुत हैं, बहुत है। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, आप 2-3 साल पहले के कोई भी शेयर उठा लीजिए, हो सकता है मैं 10 में से आज भी उसमें भी हूँ, 2-3 शेयर ऐसे ना चले हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे शेयर होंगे जो आपके। अब मेरे पास ये सर वो बेच दिया तो ले लूं क्या, अरे बेचा क्यों था, किसने कहा था बेचने को अब लेके क्या फायदा। बहुत ऐसे कोई शेयर है जो बेच दिया था अब लेने का मन कर रहा है, बोलो बोलो बोलो, बोलिए किसी के पास। सन टीवी बेच दिया सर, सन टीवी बेच दिया, दुख हो रहा है? हाँ दुख तो हो रहा है सर, दुख हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बुक करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए दो कुछ शेयर ऐसे हैं जो हमेशा रखने हैं, कुछ शेयर ऐसे हैं जो बहुत सस्ते हैं तो खरीद लिया, थोड़ा ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ गया तो बेच दिया, काम खत्म, ठीक है। कुछ ना कुछ तो तभी तो मजा भी आएगा, ठीक है। और कुछ नंबर भी बढ़ गए थे सर पर, इसलिए हाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हाँ जी, डीवी स्लैब सर 10 साल के लिए रख सकते हैं क्या? करेंगे मैम, अभी डिस्कशन करेंगे, स्टॉक पे चर्चा है तो स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। मैं आई वॉन्ट टू मेक योर माइंड इन सच ए वे, प्लीज अच्छे स्टॉक को खरीदिए, 2-4-5 साल रखिए, पैसा बन जाएगा। अगर आप ब्रोकर से बात करेंगे वो आपको ऐसा कभी नहीं कहेंगे, बिकॉज आपके खरीदने और बेचने पे ही उनका कमीशन होता है। पहली बात जब आप खरीद के रख लेंगे, किसी ब्रोकर को कमीशन नहीं मिलता, खरीद के रख लिया काम खत्म, किसी ब्रोकर को कमीशन नहीं मिलता इस बात पे कि आप खरीद के रख लें। आप खरीदें बेचे, खरीदें बेचे, खरीदें बेचे, एवरी बाय एंड सेल, उसको 20-20 रुपए मिलेगा, लेकिन वो 20-20 रुपए इतना हो जाता है उसके लिए, वो चाहता है आप वही करें। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 90% ऑफ यू आर एजुकेटर्स, आप अपना एजुकेशन करिए, बच्चों को पढ़ाइए, एंड जब भी आपके पास पैसा हो दो चीज देखना है, अच्छा खरीदना है, सस्ता खरीदना है, अच्छे चीज को सस्ते में खरीदना है, कभी भी अच्छी चीज को महंगा नहीं खरीदना, और दूसरा चीज खराब चीज तो खरीदना ही नहीं। यही आपका गुरु मंत्र होना चाहिए, यही कहीं लिखा होना चाहिए, यही थॉट प्रोसेस है, और इस पे खूब पैसे बनते हैं, इस पे खूब पैसे बनते हैं। अच्छा क्या है ये नहीं पता, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 फैक्टर में हमेशा कहता हूं, देखो जो बिजनेस है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, सिंपल बिजनेस भाई, सबको पता है एचयूएल का बिजनेस, डाबर का बिजनेस, मारुति का बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस, खाने का बिजनेस, ये वाले बिजनेस चलेंगे। 3 अगर आप देखोगे वर्ल्ड की इकोनॉमी ले लो, ऐसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर जिसे कहते हैं, लाइफ में सबसे ज्यादा ग्रो किए हैं, क्या किए हैं, या तो टेक्नोलॉजी शेयर है, या तो कंजम्पशन शेयर है, या तो फिनांस शेयर। इसके साथ कुछ आप जापान की इकोनॉमी से देखे, यूएस की इकोनॉमी से देखे, इंडिया की इकोनॉमी से कहीं ले लो, इंफ्रा नहीं होगा, सीमेंट नहीं होगा, स्टील नहीं होगा, वो टाइम टाइम सिक्लिकल होते हैं, एक टाइम आएगा बढ़ेगा, एक टाइम आएगा कब बढ़ेगा कब। अब अगर आपके अंदर वो नॉलेज है कि जब बढ़ना शुरू करे तो आप एंट्री कर जाओ, और जब वो टॉप पे जाए तो एग्जिट कर जाओ, अगर आपके अंदर वो नॉलेज आ जाती है दैट यू कैन डू, एक टाइम के बाद आ जाती है। बट जब बिल्कुल नॉलेज नहीं है, 3 ही खरीदना है, कंजम्पशन खरीदो, फिनांस खरीदो, टेक्नोलॉजी खरीदो।
काम खत्म। इंडिया में कंजम्पशन कौन है अच्छे, मतलब किसी से पूछोगे तो कहेगा हाँ जी एचयूएल अच्छा शेयर है, डाबर अच्छा शेयर है, मेरे को अच्छा शेयर है, नेस्ले अच्छा शेयर है, आईटीसी अच्छा शेयर है, सबको पता है। लेकिन खरीदना क्या है, एक्स वाई जेड केमिकल लिमिटेड, उसका नाम चाहिए सुनील त्रिपाठी से, सर कोई ऐसा बताओ ना जो कर चाहिए लोगों को, क्या करोगे। उसी उसी में तो सेंसेशन, यूट्यूब पे सेंसेशन होता है, ये शेयर खरीद लो कल ये 5 गुना हो जाएगा, ऐसी फीलिंग दिलाना होता है ना लोगों को, तो लोगों को चाहिए, क्या करेंगे, तो चाहिए अब ठीक है। उसी तरह बैंकिंग में देखो, पता है कि जब इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी इफ हैव टू ग्रो, फिर फाइनेंस को ग्रो करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकता। और जब आपको जा रहे हो, देख रहे हो कि एक रेडी वाला भी आलू खरीद रहे हो और वो पेटीएम से पैसे दे रहा है, वो यूपीआई से पैसे दे रहा है, देख रहा है, सबको दिख रहा है ये बात, कुछ एक बहुत बड़ा चेंज आप विजुलाइज करो कि आप पिछले 1 साल में कितने रुपए आपने अपने जेब से निकाले हैं। मैं तो नहीं निकाले, कहां से मेरे बैंक में आए, कहां से मेरे बैंक से गए, मैंने तो रुपए देखे ही नहीं, पता नहीं आप लोग देखते होंगे तो भगवान जाने। मोबाइल ही चलता है सर, पर्स तो आजकल लेटी पड़े हैं, बस वही लेके चल रहा जाते है। हैं तो लेके आते अब हैं। आप सोचिए कि ये सारा पैसा जब बैंकिंग सिस्टम में घूम रहा है, बैंकिंग की ना आप पैसा जमा करने जा रहे हो, ना आप पैसा निकालने जा रहे हो, क्या बैंकिंग की कॉस्ट पे क्या फैक्टर पड़ रहा होगा? आप बैंकिंग की बैलेंस शीट दिखे, मैं आपको दिखाता हूँ बैंकिंग की बैलेंस शीट दिखाता हूँ देख के, लेकिन लोगों लोगों को समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, वही होगा जब भाग जाएगा तो सबको चाहिए। चलिए कोटक को ही देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक ये देखिए। चलिए जी मैं सीधे जाता हूँ इसके मार्क, यहाँ देखिए सिंपल एक एग्जाम्पल है, प्लीज नो नो सेल्स नो परचेज कमीशन वो थिंग। नाउ देखिए जरा, आपको क्वार्टरली सेल्स को देखिए, नंबर्स को, नंबर्स को देखिए जरा ध्यान से, क्वार्टरली आपका प्रॉफिट के नंबर्स को देखिए। चलिए ये अभी प्याज चलिए नहीं समझ में आ रहा उतना देर ना, देखो जरा 30, ये आपको आज कोटक आपको किस रेट पे मिल रहा है, 2018 19 20 के कितने की सेल्स थी, 30,000 करोड़ की, आज कितने की है, 50,000 करोड़ की, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ वॉज द सेल्स रेवेन्यू, नाउ इट इज 50,000 करोड़, अप्रोक्स अप्रोक्स 60-70-80% बढ़ चुका है। नाउ प्रॉफिट पे जाते हैं, प्रॉफिट वॉज 9,000 करोड़ एंड नाउ प्रॉफिट इज 18,000 करोड़, डबल हो चुका है। एंड प्राइस प्राइस मेरे पास वही है जो 4 साल पहले था, तब भी 1,800 का था, आज भी 1,800 का है, समझो। अब अगर अगर ये प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, कंपनी ग्रो कर रही है, और क्या चीज, और कैसे बिजनेस हो देखते हो, इतना बेसिक बिजनेस है जी, मैं एक आलू वाला हूं, मेरे 5 किलो आलू बिकते थे, अब 10 किलो आलू बिकते हैं, मेरे मेरे को 400 का प्रॉफिट होता था, 500 का प्रॉफिट होता, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, काम इतना। इसके लिए किसी किसी कहते हैं ना, किसी बड़े अकाउंटिंग की, बड़े उसकी नॉलेज की जरूरत ही नहीं, पेशेंस तो होना चाहिए ना, पेशेंस रखो बिजनेस ग्रो करेगा। अब लोगों को एचडीएफसी भी खराब लग रहा है, एचयूएल भी खराब, अब सडनली किसी को रिलायंस अच्छा लगने लगा, आप 3-4 पैसे जाए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास तो सर अब 2300-2400 पे रिलायंस सबको खराब लग रहा था, 20% 15-18% बढ़ गया, वो ऐसे ही बढ़ेंगे, ये बड़े वाले शेयर ऐसे ही, आपको तो ये 15% 16% देंगे। आप रिलायंस कभी भी खरीद लो, किसी रेट पे खरीद लो, अगर आप उसको 10 साल रख लोगे, 14-15% का एवरेज दे देगा। हाँ थोड़े अच्छे रेट पे खरीद लोगे, अच्छे रेट पे, जब वो करेक्ट हो जाते हैं, नहीं चल रहे, 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से रुके हुए हैं, तो खरीद लोगे, तो 12-13 को आपका 18-19 पहुंचा देगा, बस यही होगा उस 10 साल के उसमें। तो इसीलिए कहा जाता है अच्छे वाले शेयर अच्छे रेट पे खरीद, काम खत्म। तो प्लीज मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सब एजुकेटर्स हैं, अभी मैंने 2 इंटर्नशिप खत्म की है आप लोगों के कहते हैं कंट्रीब्यूशन की वजह से, आप लोगों की हेल्प की वजह से, इन फर्स्ट इंटर्नशिप देर वर 440 रजिस्ट्रेशन एंड इन सेकंड हंड्रेड देर वर 230 रजिस्ट्रेशन, मतलब करीब 600-650 बच्चों को पिछले 15 दिन में मैंने ट्रेन किया है ऑन द फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेसिक, और आई हैव सीन कि हाँ बच्चों के अंदर इतनी एनर्जी है देव, लेकिन इससे ही मुझे एक डर भी लगता है, उससे ये डर लगता है ये कि कहीं वो जो एक है ना कि हाँ हम कल पैसा बना लेंगे, परसों पैसा बना लेंगे, नहीं जी ठीक है, लर्न करो लर्न करो, बहुत टाइम है, पैसा खूब बनता है, बस वो पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और मैं तो आप लोग 70 लोग इस समय लाइव हैं, मैं कहता हूं कोई इंसान, मैं किसी जानता नहीं आधे लोगों को, तो हाँ मुझे पता है कौन कहाँ से जुड़ जाता है, ग्रुप पे कोई आता है मैं जोड़ते रहता हूँ, कोई इंसान कह दे कि सर आज के 2 साल 2.5 साल से हम इस थॉट प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम लॉस में हैं,
एनी वन ऑफ यू रेज योर हैंड सर हमारा नहीं। हाँ आपने गलती की, आपका शेयर नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा था, बेच दिया, फिर दूसरा खरीद लिया, अब वो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, फिर उसको भी बेच दिया, फिर तीसरा खरीद लिया, फिर वो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, फिर उसको भी बेच दिया, तो मैं क्या करूँ फिर। या आपने क्या किया, एक शेयर, अभी मेरे किसी से बात हो रही थी, पता चला जी मैं कहता हूँ जी आपके पास 20 22 25 शेयर होने चाहिए, पता चला जी उसके पास शेयर कितने हैं जी 75। अब 75 शेयर है, 75 शेयर कैसे कोई रिसर्च कर सकता है जी, मतलब आप इफ यू हैव 75 शेयर, इसका मतलब ये हो गया कि आप प्योर आप देखेंगे ना बड़े बड़े जो ब्रोकिंग फॉर्म होती हैं वो भी महीने दो महीने में दो चार, अगर अच्छी वाली फॉर्म है तो दो चार शेयर का वो देती है रिकमेंडेशन, और आपकी पोर्टफोलियो 75 यानी आप 75 शेयर को ट्रैक कर रहे हैं, आप समझिए क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, 75 शेयर को आप ट्रैक कर ही नहीं सकते, ये तो तुक्के हैं। जिस अगर आप सोना खरीदेंगे, सोना 10 12% चलेगा, पता चलेगा कि हाँ जी सोना 4 साल से चला ही नहीं, अचानक फिर 40,000 से 60,000 कब हो गया पता ही नहीं चला, आपने ऐसा फील किया है क्या सोने के ग्रोथ में पिछले 5 सालों का देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी 2016 17 18 19 20 सोना चला ही नहीं, 21 में भी नहीं चला, फिर पता चला 23 में वो सीधे 70 62 63% पहुंच गया, सोना ऐसे ही चलता है। लेकिन आप टमाटर खरीदेंगे तो टमाटर 40 से 200 भी होगा, और 200 से फिर ऐसा होगा कि किसान को उसको रोड पे फेंकना पड़ेगा कि टमाटर नहीं बिक रहे, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये डिफेंस, ये रेलवे, ये फर्टिलाइजर, ये बड़े मजे आ रहे हैं, मैं वो कहता हूं जिंदगी के मजे, प्लीज आप लोगों की लर्निंग है, हैं रखिए, नहीं रखना आपकी मर्जी, रखना आपकी मर्जी, मेरा काम यह है वो दिन का मैं वेट कर रहा हूं जब मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको आप बेच भी नहीं पाओगे, एक सिचुएशन आएगी कि आप इनको बेच ही नहीं पाओगे, होगा था क्या है, आज ये शेयर 50 का था 400 हो गया है, बढ़ रहा है, मुझे 50 का 400, आप कहते हो क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट सुनील त्रिपाठी ऑलवेज सेज नॉट टू बाय गवर्नमेंट शेयर, ही डोंट नो एनीथिंग, वो 400 से 500 होगा, 500 से 600 होगा, पता नहीं कहाँ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो 600 से 400 होगा ना, 600 से 500 होगा तो आपको लगेगा यार अपॉर्चुनिटी है और खरीदते हैं, आप और खरीदोगे, फिर वो 500 से फिर वो 300 होगा, फिर कहोगे अरे अब तो आधा हो गया, अब तो एकदम एवरेज कर लेते हैं, आपका सारा पैसा उन्हीं शेयरों में लग जाएगा और आप बेच ही नहीं पाओ। और जो लोग सिंपल बता रहा हूं, एनी वन ऑफ यू जिसको केवल 10 साल का मार्केट का नॉलेज है, कोई कह दे हाँ सर मैं 10 साल से करता हूं और ये मेरी इस बात को काट दे, एनीवन है कोई 10 साल वाला, 2008 9 10 11 12 को जिसने देखा हो है, कोई कहना चाहेगा जी सर? हाँ बोलिए सर, अमित सर नमस्कार सर, नमस्कार सर, अरे आप पधारे, अरे नहीं सर, सर। बताइए सर, सर नहीं सही कह रहे हो बिल्कुल आप, मैं एक किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ, ये मुझे बोला मेरे मामा जी कहते थे एमटीएल का शेयर ले लो बहुत बढ़ेगा, अच्छा, और वो 2004-05 के करीब 94 104 कुछ ऐसा रेट था सर उसका, मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एमटीएल जो है वो डूब सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी उस टाइम रिलायंस वगैरह बहुत तेजी से आ रहे थे, अब मैं सोचता हूँ सही किया नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह ब्रेकफास्ट पे मेरे पास एक गिफ्ट फ्रेंड आए थे, उनसे बातचीत होने लगी, तो उन्होंने पता नहीं कौन सा एक कंपनी सर्विस कंपनी बताई थी जो यूएस में सर्विसेज सप्लाई करते थे, बोला 3 रुपए का शेयर था और मुझे किसी ने कहा हमारे ये ऐसा 3 का लिया, 5 हो गया, 5 का हो गया, तो उन्होंने कहा 10 तक तो जाएगा ही, मैंने ऑल ले लिया, फिर वो 7 हो गया, 7 हो गया, तो मैंने कहा अब तो हो गया ऑल ले लिया, और जिस दिन मेरे 7 7.5 हुआ उसके बाद सर मेरे पैसे उसमें से निकल नहीं पाए, नहीं पाया मैं से। आज वो 3 पैसे का या 2 पैसे का है, और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं आपको शीतल जी यहीं बैठी हैं, वो बहुत अच्छी तरह जानती है कौन आया था मेरे पास, तो आप पूछ लीजिएगा शीतल मैम, वो बताएगी, क्यों बेच ही नहीं पाया, उनके 10 20 लाख रुपए जो भी उन्होंने लगाए थे पूरे मैं आज तक बेच नहीं पाया वो 3 पैसे का शेयर, ऐसे होता है सर, मतलब थोड़े गवर्नमेंट शेयर्स में थोड़ा रिस्की रहता ही है, मतलब उनका पता नहीं लगता कुछ, तो इसलिए ठीक है अगर आप देखिए ये गवर्नमेंट शेयर वगैरह में पैसे बनते हैं, ये लॉटरी है, लग गई जब लग गई, आप 10 लॉटरी खरीदते हैं कब, लॉटरी है, इफ यू एज्यूम इट एज ए लॉटरी, उस लॉटरी के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, कभी आपके पैसे बनेंगे, कभी आपके पैसे जाएंगे, कभी आप पैसे लगाएंगे कुछ नहीं बनेंगे, बट इफ यू वॉन्ट अ कंसिस्टेंट सिस्टम
कंसिस्टेंट कि भी हम जैसे आप नौकरी करते हैं और आपको हर महीने सैलरी आती है, अगर आप कोई आप में से बिजनेस करता है और आपका हर महीने हर साल में कुछ प्रॉफिट होता है, आप अपना काम कर रहे हैं, सम ऑफ यू मे बी डूइंग सम ट्यूशन एंड ऑल, आपकी फीस आती रहती है, साल में आप इतना कमाते हैं, इस तरह का कुछ चाहते हैं, तो सिंपल सा है, अच्छे शेयर को अच्छे रेट पे खरीदते जाएं, खरीदते जाएं, खरीदते जाएं। मैं अभी एक पोर्टफोलियो देखने गया था, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, विवेक जी यहीं पर हैं, विवेक जी ने मुझे अपने घर पे चाय के लिए इनवाइट किया था, लंच भी करा लिया था, वो तो गलती से उन्होंने कराया तो चाय मैं सर पे, गलती अच्छा से नहीं कराया था, पूरा जानबूझ के कराया बदमाशी से था। मैं इनवाइट किया तो मैं था। आप लोग को बताना चाहूंगा, ये सब मैं केस स्टडी आप लोग के सामने बताता हूँ, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे तीन पोर्टफोलियो दिखाया, एक उनका खुद का, एक उनकी मम्मी का और एक उनके पापा का। अपने वाले को दिन भर कुछ खरीदते बेचते रहते हैं, पापा वाले को थोड़ा बहुत करते हैं, और मम्मी वाले कहीं पड़ा रहता है, उनका फोन तो मम्मी के पास होता है, देखते नहीं, और तीनों नहीं, पोर्ट वो मम्मी पापा वाला था सर, वो अच्छा पापा फिफ्टी जो तो परसेंट तीन प्रॉफिट पोर्टफोलियो वाला था, दिखाए, वो तो पापा वाला तीनों था। पोर्टफोलियो का जो रिटर्न था बताइए सर, कितने कितने परसेंट था, तीनों में से वो किसका किसका कैसा था आप बता दीजिए। अभी मैं पिताजी आपको वाले इतने पहले में, गया था पिताजी वाले का मैंने, रिटर्न सर 51% था, 49.50 ऐसा, आज 48 है शायद, ठीक है। और मम्मी वाले का, मेरे वाले का है 24 था उस टाइम पे, आज शायद 22 हो गया है। और जो मम्मी वाला है उसका था 12-11% के आसपास। क्योंकि मम्मी वाले में सबसे ज्यादा करते होंगे, मम्मी नॉन वर्किंग है, टैक्स का नो, तो चलो इसी में ट्रेड में नहीं डाल नहीं रहे हैं। हाँ नहीं मम्मी वाले में ज्यादा नहीं करते सर, मम्मी वाले में HDFC वगैरह ले अच्छा, रखा है एचडीएफसी ना, वगैरह पड़े हुए तो अभी बढ़े वो नहीं है, उसी ठीक है रेट में रखा हुआ है, तो अकुमुलेट अभी हो वो रहा है बढ़े नहीं है, उतने ठीक में, है। तो ये मैं बता रहा चक्कर। हूँ लेकिन तीन, इन तीनों का सर एवरेज करोगे ना और फिर करोगे तो 22% है, 22%, तो आप 22% से खुश हैं या नहीं खुश हैं पहले बताइए। ठीक मतलब सर बढ़िया ही है। और मतलब शांति वाला तो यही है देखो। तो मजे वही है कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पैसे बनते हैं बहुत अच्छे से, मैं आपको एकदम केस स्टडी लाइव बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सीख सके कि आप लेंगे पढ़े रहेंगे। मैं देखिए करता वही हूँ जो बताता हूँ, और बताता वही हूँ जो करता हूँ, इसके सिवा मुझे नहीं आता जी, मेरे पास ऐसी कोई थियोरी नहीं है कि आज मैं शेयर खरीदू, दिख जाता है कुछ कुछ जब हम ट्रेडिंग करते हैं, मेरे पास आते हैं बच्चे जो इंटर्न्स आते हैं, उनको मुझे सिखाना होता है, घर पे बैठे होते हैं, तो वहां पे हम लोग अपने टेक्निकल लगाते हैं वो, लेकिन वो आपने 10,000 20,000 50,000 खेलने कूदने उसके लिए ठीक है, जब आप कॉलेज में हैं, आपने कुछ कमा लिया, थोड़ा खुश हो गए, आपको 1,50,000 रुपए लगाया हुआ है, 2,000-4,000 रुपए महीने के आ जाते हैं, उस सब के लिए ठीक है उसके लिए, लेकिन जब आपकी कैपिटल 20,000 25,000 ऐसे हो जाती है, उस समय आपको इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक आपकी कैपिटल 10,000 20,000 25,000 30,000 50,000 है, उसमें सीख रहे हैं, कॉलेज से आए हैं, नए नए हैं, अब जैसे तुषार जैसे बच्चे हैं, मुझे कहते हैं सर एचडीएफसी का क्या करूं, मैं कहता हूँ बेच दे कमा लेंगे, एचडीएफसी लाइफ का क्या करूं, अभी नूर होगी वहां पे, मैंने अपना नहीं बेचा लेकिन मैंने उसका बेचवा, बेच दो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ये कॉलेज में है, ठीक है 10,000 लगाए हैं, उस 10,000 में अगर 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, दे विल एंजॉय, दे विल फील हैप्पी, ठीक है इनके लिए कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतनी कैपिटल है एंड दे आर लर्निंग। तो लेकिन व्हेन यू आर इनटू योर एज ऑफ 30 35 40, उसमें आपके 4,000 आज बन गए या नहीं बने, क्या आपको उससे आपके लाइफ में कोई फर्क पड़ रहा है, आप इक्विटी में आए हैं तो यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, प्लीज एज्यूम कि आप इक्विटी में, आप नौकरी नहीं कर, मैं इक्विटी में क्यों आया, क्योंकि तो मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे टेंशन नहीं लेना, अगर मुझे इक्विटी में भी आकर टेंशन ही लेना है, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, तो फिर फायदा क्या है, उस टेंशन से स्कूल में मैं नौकरी करता था, प्रिंसिपल क्या करिए, स्टूडेंट क्या करे, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, टीचर भाग गए, ये टीचर नहीं आई, उसका सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगाए, गाड़ी पंचर हो गई, क्या इन सब टेंशनों से दूर हटने के लिए, तो यू हैव एंटर्ड इनटू इक्विटी, और आप अगर आप में से कोई नहीं एंटर हुआ है और एंटर होने का प्लान कर रहा है धीरे धीरे कि हाँ जी मैं इससे इतनी वेल्थ क्रिएट कर लूं कि मैं ये करूं, एंड इफ यू आर टेकिंग मोर देन दैट टेंशन, देन व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरिंग इनटू इक्विटी, देयर इज नो नीड ऑफ एंटरिंग इनटू इक्विटी। तो प्लीज मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, देयर आज चलिए मैं आपको एक स्क्रीनर दिखाता हूं, मजे का स्क्रीनर है, मैंने आज ही स्क्रीन कर रहा था और मेरे पास बैठे हुए थे कुछ बच्चे, आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सिंपल स्क्रीन लगाऊंगा, सिंपल आपका दिल खुश हो जाएगा, देखिए क्रिएट स्क्रीन, आपको शेयर ऐसे निकल के आते हैं ना सेम, लेकिन लोगों को तो टफ वाला चाहिए ना, क्योंकि अगर सिंपल आपने कुछ अप्लाई कर दिया तो उसके लिए पैसे कौन देगा, आप उसको बताओगे नहीं ये इसका डीएमए क्या कहता है, आरएसआई क्या कहता है, स्टोकेस्टिक क्या कहता है, कैंडल क्या कहता है, चार्ट पैटर्न्स क्या कहते हैं, जब मैं 50 चीजें बताऊंगा तो आपको लगेगा वाह 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 क्या बताया है,
चलो इनको 10,000 दे दो, ऐसे फीलिंग आती है, और सिंपल बता देगा ओ यही था, ये तो कोई है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, हमारे आई डू करियर काउंसलिंग अलॉट ऑफ, मेरे पास लोग आते हैं तो मेरे पास एक करियर काउंसलिंग का टेस्ट है, और मैं कई बार स्कूलों में जाता हूँ, मैं टीचरों को बता जाता हूँ ये ऑनलाइन टेस्ट है, अपने बच्चों को कभी भी करा लेना, बताता हूँ मैं कई बार बता जाता हूँ। लेकिन जो मेरे मित्र लोग हैं वो पहले बुलाते हैं, बैठाते हैं, रिसेप्शनिस्ट के पास आएंगे, वो एक पेज देंगे राइट अबाउट योर सेल्फ, फिर वो लिखेंगे, फिर उसको दूसरा एक पेपर देंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन होगा उसको भरेंगे, फिर ऐसे करते करते उसको 2 घंटा पहले बैठाते हैं। एंड जब वो 2 घंटा बैठा के फिर उसे मिलेंगे, फिर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उसे फिर कहेंगे 10,000 फीस हो गई। पेरेंट इतने खुशी से देते हैं ना, इतने खुशी से 10,000 देते हैं कि पूछो मत। और वही काम अगर आपने 15 मिनट में करके उनको बता दिया, बेटा देखो तुम्हारा ये स्किल आ रही है और ये आपको करना चाहिए, ये दी जाते कोर्सेज, अच्छा 15 मिनट दिया है, 1,000 रुपए देना है, वेरी बेकार। तो ये सोसाइटी के थॉट प्रोसेस है। तो इसलिए प्लीज आप लोग, तो आप क्योंकि आप लोग उस एज ग्रुप में नहीं है, आप लोग आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े हो गए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, तो आप लोग इन चीज से आगे निकलिए, अपने विजन को बड़ा कीजिए, पैसे बन जाएंगे। देखिए अदानी पोर्ट में पैसे बने या नहीं बने, बताइए अदानी पोर्ट वाले लोग, याद होगा अदानी के सारे शेयर, मैंने कोई कौन से बहुत शेयर बने बने बिल्कुल सर बने बने, बने क्या बने हैं कि नहीं बने, बिल्कुल यस सर बने 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 सर बने। बने। कितने लोग आज मेरे पास मैसेज आता है, दुख हो रहा है लोगों को जिससे नहीं खरीदे, और ठीक है मैं नहीं कह रहा अदानी ग्रीन में नहीं बने, अदानी एंटरटेनमेंट में नहीं बने, लेकिन मुझे वो वैल्यूएशन समझ में नहीं आता। सिंपल, मैं मुझे समझ में आता है कि जो स्टॉक ऑलरेडी 200 300 400 के पीई पे ट्रेड कर रहा है वो समझ में, अगर मुझे सब्जी खरीदना तो सब्जी 40 रुपए 50 रुपए किलो होती है, वो दैट इज कॉल्ड एज सब्जी, सिंपल आपको मैं एग्जाम्पल। और मुझे फल खरीदना है तो फल क्या होते हैं 150 200 रुपए किलो, सिंपल मैं आपको लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर मुझे फल खरीदना है फल इज 150 200 रुपए किलो, सब्जी खरीदनी है सब्जी 40 50 रुपए किलो, दिस इज सब्जी। अब पता चला मैं सब्जी खरीदने जाऊं और सब्जी 400 रुपए किलो है, मैं नहीं खरीदूंगा सब्जी, और मुझे फल खरीदना है तो वो ऑरो कोडा क्या होता है पता नहीं, मेरी वाइफ एक बार कोडा 100 रुपए किलो, क्या करे क्या होगा उस ऑरो कोडा, क्या है वो, अरे आम खाओ अमरूद खाओ आओ पपाया खाओ, 150 200 रुपए किलो बहुत है फल, तो खाओ आरो कोटा पता नहीं जो भी नाम है आई डोंट नो ऑफ दैट। तो प्लीज इस यही सेम शेयर्स में आपको वैल्यूएशन समझ आना चाहिए कि हाँ जी एक स्टॉक है, अगर वो एफएमसीजी स्टॉक है तो 50 60 50 तक की वैल्यूएशन पे होना चाहिए, अगर वो टेक्नोलॉजी स्टॉक है ठीक है 40 50 का वैल्यूएशन चल जाता है वहां पे, अगर वो आपका बैंकिंग वगैरह स्टॉक है तो 25 30 का वैल्यूएशन इज, लेकिन अब आप बैंकिंग खरीद रहे हो 70 के वैल्यूएशन पे, एफएमसीजी खरीद रहे हो 250 के वैल्यूएशन पे, तो आप गलत कर रहे हो आप अपने आप। तो मैं आपको एक स्क्रीनर दिखा रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, सिंपल सिंपल स्क्रीनर, किसी बेसिक आर ओ, और किसी को बताओगे तो कहेगा नहीं नहीं इतना आसान नहीं हो सकता, इक्विटी आर ओ इज ग्रेटर देन 20 जी, कंपनी 20% से ज्यादा कमाती है, ऐसी कंपनियां बताओ, ऐसी कंपनी मुझे बताओ जो 20% से ज्यादा कमाती है, ठीक है जी, एंड क्या है करंट प्राइस, जो उसका करंट प्राइस है वो इस समय गिरा पड़ा हो सस्ता पड़ा हो, ऐसी कंपनी इज लेस देन डीएमए 200, चलो जी ऐसी अच्छी वाली कंपनी, सिंपल आरओई 20% से ज्यादा यानी अच्छी वाली कंपनी, करंट प्राइस डीएमए 20 से 200 से कम यानी सस्ते में पड़ी मिली है, चलो जी ढूंढते हैं जी। देखो मेरे पास लिस्ट क्या आती है, मैं इसको मार्केट कैप पे सॉर्ट कर रहा हूं, देखो क्या लिस्ट आती है, विजुअलाइज करो, जब चलेंगे तो फिर ये सब एसबीआई कार्ड है, एचयूएल है, सारफ है, मैरिको है, ठीक है टाटा टेक्नोलॉजी तो खैर अभी नया है, आपके पास पेज इंडस्ट्री है, देखो ढूंढने की कोशिश करो, फाइन ऑर्गेनिक है, ठीक है आप ढूंढेंगे तो आपको अच्छे शेयर, अब लोगों को कैंपस खराब लग रहा है, अरे कैंपस देखो आपको नहीं चढ़ रहा जी, कैंपस देखो 23 का आरओआई कर रहा है, प्रमोटर्स के 74% शेयर हैं, अगर कैंपस खराब है, कैंपस डूबने वाला है, कैंपस बर्बाद होने वाला है, तो सबसे पहले प्रमोटर छोड़ के भागेगा, 75% की होल्डिंग होती है प्रमोटर की मैक्सिमम, और वो 74% पर रखा हुआ उसने, ट्राई टू विजुअलाइज कि क्या हो सकता है, लेकिन क्या वो थॉट प्रोसेस है, क्या वो थॉट प्रोसेस है, देखो जरा पी किस पी पे चलता था और किस पी पे चल रहा है, क्या हम उसको कर सकते हैं, देखो जरा, हाँ जब कैंपस भाग रहा था 300 के पी पे था तो सबको चाहिए था, 300 के पी पे स्टॉक मिल रहा था और उस पे लोगों ने खरीदा है, लेकिन आज कैंपस जो है जब 70 80 के पी पे आ गया किसी को नहीं चाहिए,
ठीक है जी, नहीं चाहिए कोई बात नहीं जी, क्या कर सकते हैं, जब ये चलेगा वैसे ही जैसे कि अब अवंती फीड चल रहा है तो फिर सबको चाहिए होगा, एक टाइम होगा उस समय सबको चाहिए होगा। देखिए जब ये आपका होल्डिंग पैटर्न है, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं ट्रेड्स दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या होता है इन कंपनियों में कैसे रेट को। ये देखिए 2 अगस्त 2023, थोड़ा सा मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये है 2 अगस्त 2023। अगर आप देखेंगे इन शेयर्स को 24 मार्च 2023, अगर आप देखिए किस किस रेट पे डील हो रही है, बाय सेल, और ये बड़ी क्वांटिटी में हो रही है, 300 किसी ने बेचा है, तो ऐसा नहीं कि पब्लिक ने खरीद लिया, एक ने बेचा है दूसरे खरीद रहे, देखो जरा रेट देखो जरा आप 347। ये जो अगर मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी इस शेयर को 360 365 में खरीद के रख रही है, फिर कहेंगे रामदेव अग्रवाल जी इतने बड़े आदमी है 5,000 करोड़। अरे उनके उनके पेशेंस को समझो, 360 365 300 में वो खरीद रहे हैं कि हाँ जी ठीक ठाक, उनको वैल्यूएशन समझ में आई है। और रामदेव अग्रवाल जी को मैं तो कम से कम मानता हूं कि हाँ, ही हैज क्रिएटेड वेल्थ इन द इकोनॉमी यूजिंग शेयर मार्केट, एंड 365 में वो खरीद रहे हैं, लेकिन आपको जब ये शेयर मिलता है कि हाँ जी 288 में, तो आप कहते हैं बेकार है यार, चल नहीं रही 200 से। ठीक है जी, तो ठीक है ऐसे ही होगा। तो आई वॉज गिविंग अ क्वेरी, तो ऑन दिस क्वेरी यू विल फाइंड कि हाँ जी यार अच्छे शेयर अवेलेबल नहीं है, अच्छे शेयर आज भी अच्छे रेट पे अवेलेबल है, आपको ढूंढना। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, आई एम अगेन अगेन गाइडिंग यू कि देखिए जी अवंती फीड जैसा शेयर जो 2 साल से नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या था, लेकिन चलते हैं तो पता चलता है कि हाँ जी आपका विद इन 15 दिन आपका स्टॉक जो है 400 से और आपका 500 पहुंच जाता है। 400 से 500 आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 400 से 500 25% होता है, 25% 15 दिन में, उसके बाद कहाँ जाएगा मुझे तो प्लीज अगेन नो रिकमेंडेशन, मैं आगे नहीं कहाँ जाएगा उसके लिए। मतलब मैं आपको कर इतना बताना चाह रहा हूं कि स्टॉक बढ़ते हैं तो अच्छे स्टॉक होंगे। अब अवंती फीड में अच्छा क्या था, अगर आपको अच्छा समझना है तो अवंती प्लीज आज खरीदना है नहीं खरीदना है नो रिकमेंडेशन, आपको अच्छा देखना है तो आपको 2 3 4 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए थी कि हाँ जी छोटा सा मार्केट कैप है, आरओए ठीक ठाक कर रहा है, ग्रोथ अगर मैं देखूं इसके सेल्स वगैरह की तो पिछले 10 सालों से मुझे दिख रहा है कि हाँ जी आज के 10 साल पहले 300 400 करोड़ की सेल्स करने वाली कंपनी आज जो है 5,000 6,000 करोड़ की सेल्स करने लगी है। अप्रोक्स अप्रोक्स यू देखो 15 टाइम्स सेल्स का ग्रोथ है। अगर मैं प्रॉफिट का ग्रोथ देखता हूँ 30 40 50 करोड़ का सेल्स करने वाली कंपनी जो आज के 10 साल पहले करते थे, आज 300 400 करोड़ का करते हैं, अप्रोक्स आपका 10 टाइम्स प्रॉफिट का ग्रोथ है। तो यही देखा जाता है कंपनी में, और क्या देखोगे, सिंपल, क्या जी कैश फ्लो वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं जी, हाँ जी होल्डिंग्स ठीक ठाक है, कैश फ्लो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको ये चीजें सिखाता हूँ हर क्लास में, हाँ जी कैश फ्लो देखो, पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, 1 साल में नेगेटिव आया था, अदरवाइज पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, देखिए जरा प्रॉफिट कितना करती है। देखो कई बार होता है, आप तो कॉमर्स वाले जो होंगे बड़े अच्छे, कि जी प्रॉफिट करती है कंपनी लगभग 300 400 करोड़ का, और कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग है वो भी इनका 300 400 करोड़ के आसपास दिख रहा है, मुझे दिख रहा है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यानी जितना प्रॉफिट कर रही है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, कैश में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक चीज क्लियर है कि ये प्रॉफिट दिखा नहीं रही है, एक्चुअल में प्रॉफिट कर रही है। एक होता है प्रॉफिट दिखा देना, प्रॉफिट दिखा दिया, प्रॉफिट हुआ नहीं है, प्रॉफिट को दिखा दिया इतने का, जी हमने 10 रुपए का माल था और ताहिर जी को बोला जी मैं 500 में आपको बेचता हूँ, ताहिर जी ने खरीद लिया, तो मेरे को तो 10 रुपए का माल 500 में बेच दिया, 490 का प्रॉफिट, 490 का प्रॉफिट, लेकिन क्या ताहिर जी ने मुझे पैसे भी दिए, ताहिर जी मेरे डेटर पड़े हुए ताहिर जी मेरे डेटर पड़े हुए हैं, अगर ताहिर जी ने मुझे पैसे दिए उस पैसे को मैं यूज करता हूँ आगे ग्रो करता हूँ, तो यानी कैश कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेसिक चीजें हैं, सिंपल, सेल्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है जी, कैश हो रहा है, जितना प्रॉफिट आप दिखा रहे हो क्या उसके आसपास, नो डाउट थोड़ा बहुत इन्वेंटरी में फंसेगा, थोड़ा बहुत डेटर्स में फंसेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसके आसपास का क्या आपको कैश फ्लो हो रहा है, हो रहा है जी, आरओई ठीक ठाक है, हाँ जी है, और क्या पी बहुत महंगा तो नहीं, 5 चीज देखना है, 5 चीज, लेकिन कॉम्प्लिकेशन लेवल जब तक नहीं बढ़ेगा आपको मजा नहीं आता ना।
आपको मजा तब आएगा जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो कोई चीज, वाह कुछ कुछ सर ने कोई नया इंडिकेटर बता दे सर, कोई वो टेक्निकल बता दे, कोई कैंडल क्या कह रही है कुछ, वो जब तक आपको मिलेगा नहीं आपको मजा ही नहीं आता। तो ठीक है वो सब, चलिए तो आई होप मैंने आपको फिर आपके माइंडसेट को विजुलाइज करके, मैं आप लोग को फिर बता रहा हूँ बार बार, गवर्नमेंट स्टॉक, स्मॉल कैप, वेरी स्मॉल कैप स्टॉक, इन सब में देखिए जब भी बुलबुला होता है तो हर सर्व ऐसे लगता है वाह बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है, जब घटेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों के बहुत मेहनत के पैसे हैं, जाएंगे आपके जाएंगे, मेरे पास से कुछ नहीं जाएंगे, आएंगे प्रॉफिट होगा वो आपको होगा, मुझे आप में से कोई कुछ नहीं देगा ना मैं आपसे लूंगा। मेरा ये मानना है कि आप अपने स्टॉक्स को, अपने शेयर्स को, अपने पैसे को अच्छे स्टॉक में रखें, अच्छे स्टॉक में रखें, खराब स्टॉक से, भागे हुए स्टॉक से, ठीक है भाग गए अच्छा हुआ प्रॉफिट कमा लिया आपने, बस निकल जाइए वहां से, जितना निकलेंगे उतना फायदा। दुख होगा, दुख इस बात का होगा कि आपने आपने निकाल दिया कल वो 15% फिर भाग गए एक दिन में, एक स्टॉक है सम सेंको गोल्ड 20% ऊपर, क्या लॉजिक है? आपको विजुअलाइज हो रहा है कि क्या 20% क्या कर दिया कंपनी ने, 20% ऊपर, 30% ऊपर, 40% ऊपर। आप केवल एक छोटा सा रिसर्च कर लीजिए, आप लोग को एक काम दे रहा हूं, अगले अगले सेशन में मुझे बताइए कि पिछले 5 सालों में इंडिया में कितनी कंपनियां लिस्टेड हुई, ध्यान से सुनिएगा, 5 साल में 2018 से लीजिए, 2016 से लीजिए, कितनी कंपनियां लिस्टेड हुई और उसमें से कितनी कंपनियां, कितने परसेंट कंपनियां, ये भाई जो आपको ये संको गोड बैंको गोड ऐसे दिख रही है ना, मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं इसमें से कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो आज ट्रेड भी हो रही है, ट्रेड भी हो रही है, आपको विश्वास नहीं होगा 20% भी नहीं होगी, 20% भी नहीं होगी। तो जब ये शुरू शुरू में आती हैं, भागती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, आपको समझना पड़ेगा स्टॉक का एक क्वालिटी होता है, टाटा के स्टॉक है, बिरला के स्टॉक है, महिंद्रा के स्टॉक है, अच्छी और अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा वो सब आप नहीं देखेंगे। मैं पूछता हूँ जी सेंको गेट क्या हुआ है, अरे सर मैंने कल लिया था आज 20% बढ़ गया, अच्छा किया जी, जब वो 30-30, 40% नीचे जाएगा तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। आई एम नॉट टूडे रिकमेंडिंग और नॉट रिकमेंडिंग, आई एम टेलिंग यू कि आपको अगर पता है कि रंजीत सेंको गोट किसकी कंपनी है, क्या बनाती है, मालिक कैसा है, क्या आप उसको एटलीस्ट पर्सनली नहीं जानते लेकिन आप उसके बारे में अगर आप ऐसा जानते हैं, आपके पास वो कनेक्शन है, तो आप उस शेयर को रखिए, अदरवाइज ये नहीं कि क्योंकि वो 20-20% भाग रहा है इसलिए आप खरीद रहे हैं, ऐसी गलती ना करें। यही एक एज एन एजुकेटर मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ। अब मैं कुछ आप लोगों के क्वेरीज लूंगा, नॉट कि हाँ ये स्टॉक खरीदे या बेचे, वो स्टॉक कहाँ है, कैसा कर रहा है, उसके थ्रू कुछ चीजें बता के कई स्टॉक को हम कवर कर लेंगे, प्रायोरिटी उनको दूंगा जो हैंड रेज करेंगे, वीडियो ऑन होगा उनको हम। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ जी एजाज अहमद जी बताइए सर प्लीज। सर आपने पिछले क्लास में कहा था कि गवर्नमेंट शेयर को आप खरीदते नहीं हो, केवल ट्रेड करते हो, और उसको सर आप बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक के आधार पे खरीदते या बेचते हो। तो आज मैंने सर एक स्क्रीनर लगा के देखा कि SBI ऐसे कुछ परिस्थिति में, ऐसी कुछ कंडीशन में है, तो क्या आप उसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे SBI को? हाँ SBI अपने बुक वैल्यू के हाफ के नीचे है। आप सर आप एक बार देख लेते हो सर, देखिए सिंपल मेरा सर मैं दिखाता हूँ आपको SBI, आप लोगों को सबको सिखा देता हूँ मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है इसका बुक वैल्यू 400, स्टॉक है 600, मैं इसको देखूंगा भी नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स 800, मैं आपको लाइव क्लास में बता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा ये भी बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव माई ओन रूल्स। जब तक इंसान के अपने रूल नहीं होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 600 के 800 बना देगा, लेकिन ऐसे ऐसे वो 4 खरीद देगा, 3 में उसके पैसे डूब जाएंगे, 1 में बन जाएंगे, जो 1 बनेगा अगर वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाला होगा दिखाएगा देखो मैंने कितना बना लिया, लेकिन जो 3 डूबे होंगे वो बताएगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बुक वैल्यू इज 402, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 620, आई एम टेलिंग यू स्टॉक इज गोइंग टुवर्ड्स 800, ये मेरा क्योंकि मेरा चार्ट का नॉलेज है, मैं टेक्निकल जानता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं खरीदूं, नहीं खरीदूं।
तो आई होप प्राइस टू बुक सर, वैल्यू, मैं गवर्नमेंट स्टॉक, प्राइस टू बुक वैल्यू और बुक वैल्यू में अंतर क्या है सर? सर प्राइस टू देखिए बुक वैल्यू भी आपने प्राइस कहा था कि दो के नीचे अगर देखिए हो। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 है, दिख रहा है आपको? प्राइस है 4 हाँ सर, और सॉरी 620 एंड प्राइस है आपका बुक वैल्यू 4, तो 1.5 है। आपको 1 के नीचे लेना है, 0.5, 0.4, 0.6, इसमें जब आता है। जैसे आज के ओके कुछ दिन पहले कोल इंडिया था, ठीक है, आज के कुछ सर, दिन पहले डिफेंस स्टॉक हुआ करते थे, आज के कुछ दिन पहले बहुत सारे पीएसयू। तो जब भी आपको गवर्नमेंट स्टॉक ढूंढने हैं तो आप वैसे जगह पे जब पहुंच जाए कि अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के हाफ वाफ के आसपास पहुंचे, तो मैं नहीं कह रहा तो पहुंचे तो तुरंत ले लो, देन यू कंपेयर अदर फैक्टर्स कि हाँ, लेकिन वो एक एंट्री पॉइंट होती है इन दीज गवर्नमेंट स्टॉक्स, ठीक है। मैं ओके सर, आपको बता रहा हूँ, हर इकोनॉमिक्स टीचर अपनी क्लास में पढ़ाता है, हर इकोनॉमिक्स टीचर, पब्लिक सेक्टर्स आर फॉर सर्विस मोटिव, प्राइवेट सेक्टर्स आर फॉर प्रॉफिट मोटिव। अब फिर कहता है इस कंपनी को, पब्लिक सेक्टर को इतने का ऑर्डर मिल गया, इतने का प्रॉफिट होगा, इतना। अरे जब उसका मोटिव ही सर्विस है, उसको बनाया गया है पार्लियामेंट में इसलिए कि उसे समाज में कुछ सर्विस देना है, इकोनॉमी में या हमारे कंट्री को कुछ सर्विस, उसका मोटिव है ये, उसका प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है कंपनी का। और उस कंपनी में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती लेकिन आप कमाना चाहते हैं, कमाइए आपकी मर्जी। तो वहां पे प्योर ट्रेडिंग होती है, वहां पे नो डाउट लिस्टेड है, ट्रेडिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग आपको अगर लगता है कि हाँ आपको डिविडेंड लेना है, तो आप ऐसे टाइम पे जाइए जब उसका डिविडेंड यील्ड, जैसे मेरे पास मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज कुछ पब्लिक सेक्टर शेयर है पड़े हुए मेरे पापा के अकाउंट में पड़े हुए हैं, बिकॉज उनके पास एक टाइम पैसा हुआ था, रिटायर होकर आए थे, उन्होंने कहा क्या करूं, तो मैंने उस समय देखा कि कौन से स्टॉक है जिसका डिविडेंड यील्ड जो है 7% 8% होता है। तो जब आपको पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर का कोई शेयर ऐसे लेवल पे मिलने लगता है, वो गिरेगा। आज जो आपको दिखा रहा हूं इनमें से अभी तो सब बढ़ चुके हैं, एक टाइम फिर आएगा आज के 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब इनके डिविडेंड यील्ड जो है आपके 7% 8% 9% हो जाएंगे। उस समय पहले कि छोड़ दीजिए, अगर आप रिटायर्ड आदमी हैं तो 7-8% आपको डिविडेंड मिलने लगा, कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन 2-4 10% 5% कुछ भी हो जाता है, तो योर रिटर्न विल बी 12-13-14% का एनुअल आ जाता है, दैट इज मोर देन एनफ। समझा जी अपना क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, सर। मेरा क्वेश्चन वही है जो मैंने पूछा था कि डीवी स्लैब को 10 साल रख सकते हैं क्या? डीवीज रैप बहुत अच्छा स्टॉक है, और बहुत अच्छा स्टॉक है। फॉर डिस्क्लेमर मैं सबके पास बता रहा हूँ, मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो हो सकता है मेरा क्या कहते हैं कि बायस्ड वो हो सकता है। सिंपली देखिए, आपको दो तीन चीजें अभी फिलहाल पास्ट में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या ये एंट्री पॉइंट है कि नहीं, मैं बता दूँ, क्योंकि फंडामेंटल आई डोंट थिंक कि किसी को भी डिवीज रह के फंडामेंटल्स में कोई कंफ्यूजन होगा। लेके रखा हुआ है, पर ये हाँ, मतलब जानना था पढ़े कि रहने दीजिए, इसको मैं 10 साल फिर रख सकते हैं। रखे, फिर तो आराम से पढ़े रहने दीजिए। डिवीज रह इज अ गुड स्टॉक। जब तक देखिए आज का टाइम क्या है आपको मैं बताता हूँ, मैंने क्यों खरीदा, मैं अपना लॉजिक बताता हूँ, मे बी आई मे बी फेल इन दैट लॉजिक। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए जी स्टॉक क्या करता है, पहले बिजनेस को समझिए। ये कहता है जी सबको जी डॉक्टर को, आप 40 साल के हो गए, हर छह महीने के बाद आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। विजुलाइज करिए कि आज के 10 साल पहले ऐसा कुछ था, कोई बीमार होता था तो डॉक्टर के पास जाता था, तो डॉक्टर ये टेस्ट लिख देता था। पहले तो डॉक्टर ने ऐसे 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 पकड़ता, हाँ जी आपको बुखार है, दवाई दे देता था। फिर एक ट्रेंड आया कि डॉक्टर ने टेस्ट लिखना शुरू किया। अब एक ट्रेंड और आ गया है, आई लिव इन गुड़गांव एंड आई नो बिकॉज जिस एज ग्रुप में मैं पहुंच गया हूँ, अच्छा जी अब तो जी हम कहाँ जा रहे हैं, हेल्थ चेकअप क्यों जा रहे हैं, नहीं नहीं हम 40 के हो चुके हैं। तो नाउ नाउ अगर ये ट्रेंड है, ये फैशन है, ये कहते हैं ये सबका प्रोसेस है, मे बी इट मे बी गुड और बैड गोइंग टू दैट, बट अगर सब कोई 40 के बाद हर 6 महीने के बाद अगर हेल्थ चेकअप कराएगा, तो अल्टीमेटली ये जो हेल्थ चेकअप वाली कंपनियां हैं इनके पास रेवेन्यू आएगा, एक मार्केट बढ़ता जा रहा है, और जहां पे भी मार्केट बढ़ता जाएगा वो बिजनेस चलता रहेगा। अब आपको इसके बाद उसका आरओई देख लेना है, ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेना, कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं देख रहा है, अच्छे रेट मिल रही है तो ले लो। तो पहले विजन, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, तो आप रखिए उसको। मेरे से अगर आपने पूछा है तो मैं डाइट बता रहा हूँ, आपके पास है रखिए, खरीदना है नहीं खरीदना है आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपके पास है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। विपिन जी, योर क्वेश्चन प्लीज। सर गुड इवनिंग, प्रणाम सर। नमस्कार सर, नमस्कार, आप लोग जुड़ते हैं मुझे सर बहुत खुशी होती है।
बताइए सर। नहीं सर, आपके इंटर्नशिप क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब आपने 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 एक हफ्ते के पूरे इंटर्नशिप बच्चों के साथ आप जुड़े रहे, आप अपना अपना थोड़ा सा फीडबैक बताइए, बाकी लोग जो टीचर्स जुड़े हुए हैं इनको एक आइडिया डेफिनेटली लगेगा कि आपने डेफिनेटली आपने क्या सीखा है, आपके बच्चों ने क्या सीखा है, या जिस जो आप ग्रुप में थे तो बच्चों के कुछ रोज फीडबैक आते थे, वीडियो आते थे, आपने क्या देखा आप बताइए, एक हफ्ते में आपने कैसा लगा आपको? सर, वो एक हफ्ते की क्लास तो वन ऑफ द मतलब लाइफ चेंजिंग क्लास है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। और सर, बहुत सारे फिल्ट्रेशंस मैंने अपने पोर्टफोलियो में से किए हैं, बस मैं टाइम का वेट कर रहा हूँ जो आपने लर्निंग्स दी है। मतलब सर, मेरा ऐसा मोटिव था कि जो आपने बताया कि मार्केट में अपन देखते हैं कि इसमें 10% बढ़ रहा है, इसमें 5% बढ़ रहा है, उसमें जाना चाहिए। बट सर, अब टोटली माइंडसेट चेंज हो गया है। मतलब आपने जो बेसिक्स की क्लास कराई, पी रेशियो, आरओई हो गया, हर चीजों को सर अब मैं आराम से देखता हूँ, पहले समझता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भाई हड़बड़ी क्यों है, रिसर्च कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, फिर आराम से लेते हैं। तो सर, मतलब ये माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। और पहले ऐसा था, अरे ये तो बढ़ते जा रहे हैं, चलो इसको ले लेते हैं, अरे ये तो बहुत सस्ता हो गया, अब इसको ले लेते हैं। तो सर, ये दोनों चीज बहुत खराब किया मेरा, मतलब पहले पोर्टफोलियो। अभी ऐसा है कि 30%, लिटरली 10% का जो मेरे को हटाने हैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि उसमें आगे ग्रोथ मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आपने बताया अभी गवर्नमेंट शेयर से रूल बनाई है आप। तो सर, बहुत मतलब अलग अलग चीजें सीखने को मिली, पूरी 8 क्लासेस, 8 पैटर्न। सर कहीं ना कहीं सर पहले से अभी में बहुत डेवलपमेंट आया, चेंजेस आए हैं, आगे सर जुड़े रहेंगे तो और कुछ बहुत सारी चीजें पता चलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। तो मैं अपने टीचर्स को मैं बताऊंगा, हमारी जो इंटर्नशिप होती है बच्चों के लिए करते हैं और पूरी बेसिक से उनको, मेरा पर्पज यही है, मेरा पर्पज है कि मैं सोसाइटी में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख लोगों को, जितना भी हो सकता है, आई डोंट नो कहाँ, कई बार थॉट प्रोसेस बड़ा हो जाता है, तो कि कितने लोगों को मैं ये बता सकूँ स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है, बस इसको सीख के करना है, सीख के करना है। बताइए सर विपिन जी, अपना क्वेश्चन बताइए। सर, वो जो आपने क्लासेस ली थी उनमें से मैं अभी मतलब रिसर्च कर रहा था, तो एक दो चीज मेरे को सीखनी थी। तो सर, अब मैं आपने बोला था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो डीएमए को देखिए, 50 और 200 डीएमए लगा के। ठीक है। तो सर, जब मैं लगा रहा था तो मेरे को एक दो चीजें उसमें सर मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मेरे को समझ नहीं आया कि उसका एंट्री पॉइंट कब बनाए डीएमए के समय और उसका एग्जिट, मतलब सर वो आगे का टाइम दिखाता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ डीएमए का, अच्छी बात बताई आपने। जब भी आप लोग डीएमए के बेसिस पे कोई एंट्री लेते हैं, डीएमए का एंट्री लेने का मतलब पहला ये है कि अच्छा स्टॉक है, एंट्री पॉइंट आप ढूंढ रहे हैं, ध्यान से समझिए, स्टॉक अच्छा है एंड यू आर सर्चिंग द एंट्री पॉइंट। नाउ अब आपको देखना है कि आर यू अ वैल्यू इन्वेस्टर, कि आपको सस्ते में खरीद के रख लेना है, जो देखेंगे जब अच्छा रेट आएगा तो देखेंगे, या यू आर अ ग्रोथ इन्वेस्टर, अपने अपना माइंडसेट बनाना है। बिकॉज अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं और तो आपने खरीदा, तो मैं आपको बता रहा हूँ खरीदने के बाद 2-4, 5 महीने, 6 महीने वो चलेगा नहीं, आपको रखना है, रखना आपको भी जरूर। अब आप हैं तो कहते नहीं जी मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ लेकिन ढूंढ ग्रोथ रहा हूँ, मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ तो ग्रोथ इन्वेस्टर है तो फिर आपको उसको देखना पड़ेगा कि हाँ जी इसका कहाँ पे पीक बन गया, अब आप गिर सकता है आपको, तो आपको वो अपने माइंडसेट की विच टाइप ऑफ। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो सिंपली देखना 200 डीएमए, उसके नीचे 50 डीएमए, उसके नीचे कहीं प्राइस हो, बल्कि और तो 20 डीएमए उसके नीचे प्राइस हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने क्योंकि डो पूछा है तो 200 डीएमए, देन उसके नीचे 50 डीएमए और उसके नीचे कहीं प्राइस हो तो वो आपके वैल्यू पॉइंट होती है टू एंट्री। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि आपने दो पूछा था इसलिए मैं, लेकिन एक्चुअल में सबके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इफ यू वॉन्ट टू सर्च अ वैल्यू, दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन पर, दिखाता हूँ आप लोग को, बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। सपोज मैं लगाता हूँ यहाँ पे मैं डीएमए लगा देता हूँ आप लोग के सीखने के लिए, जो लोग बाद में जुड़े हैं, फॉर द वैल्यू इन्वेस्टिंग, दिस इज एक्सीलेंट कंसेप्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, आप करके देखिए 2-3-4 साल तक केवल, कि जी इसके सिवा मैं जीवन में कुछ नहीं करूंगा, सिंपली ये करूंगा, मैं कहता हूँ सिंपली इसके सिवा। दिक्कत क्या है कि आप लोग इतनी चीजों को मिक्स कर देते हैं ना जी, उसी से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कई बार मैं सोचता हूँ तो नई चीज सिखाओ, फिर कहता नहीं यार छोड़ो वो मिक्स कर देंगे जो कर रहे हैं उसमें गड़। नाउ ये आपके पास तीन, आपको एक ब्लैक लाइन, एक ब्लू लाइन, एक ग्रीन लाइन दिख रही है। सबसे पहले मैं आपको इसके सेटिंग पे जा रहा हूँ आप लोग के नॉलेज के लिए, किसी को सीखना होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके डाल देगा, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा। नाउ मैंने यहाँ से 10 हटा दिया, 20, 50, 200, और स्टाइल पे जाके केवल कलर को याद रखने के लिए मुझे ये पता है माई 20 इज समथिंग ऑरेंज, माई 50 इज रेड
एंड माई 200 इज ब्लैक. ये मेरे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हाँ मुझे याद रहेगा कि हाँ मेरे ये कलर्स हैं. नाउ मैं आपको जैसे अभी स्टॉक बता रहा था HUL, मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्लीज नो रिकमेंडेशन एट ऑल. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आई एम नॉट ऑथराइज्ड पर्सन, आई डू नॉट हैव नॉलेज, आई कैन नॉट गिव यू एनी रिकमेंडेशन. या मैं आपको दिखा रहा था एक स्टॉक मेरिको, हाँ मेरिको. नाउ ठीक है, नाउ इफ यू सी यहां पर क्या है, ये सारे पॉइंट के ऊपर दिख रहा है मुझे. अब राजेश एक्सपोर्ट है क्या, किसी ने बताया मुझे, लेट मी सी राजेश एक्सपोर्ट. तो आपको वो सिचुएशन दिखानी बस. हाँ नाउ सीरियस, 200 डीएमए सबसे ऊपर है ब्लैक लाइन, उसके नीचे ये रेड लाइन है, उसके नीचे ये आपके पिंक लाइन है, ये आपका येलो लाइन, उसके नीचे कहीं प्राइस. तो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड बी एंट्रिंग एंड कीपिंग द स्टॉक फॉर 2-3-4 इयर्स. आपको मार्केट से आपको अच्छा रिटर्न बनेगा. दिस इज माई 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, मार्केट से अच्छा. पर हाँ, लेकिन नो डाउट ऐसा देख के आपने कोई भी एक्स वाई जेड केमिकल लिमिटेड खरीदा तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. अच्छे स्टॉक को, अच्छे स्टॉक की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी जान चुके हैं. तो अच्छे स्टॉक को इस क्राइटेरिया पे खरीदना है कि 200, उसके नीचे आपका 50, उसके नीचे 20, उसके नीचे प्राइस. नाउ आई एम गोइंग फॉर द ग्रोथ इन्वेस्टिंग. ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले जो लोग होते हैं उनको जनरली क्या करना होता है, आपको क्रॉसओवर्स देखने होते हैं कि जब आपके लॉन्ग टर्म, जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी अभी एक निकल रहा है, मे बी अवंती ही दिखा देता हूं, अवंती फीड. नाउ जैसे ही आपके लॉन्ग टर्म डीएमए को, लॉन्ग टर्म डीएमए इज 200 को, शॉर्ट टर्म डीएमए इज 50, लॉन्ग टर्म डीएमए को शॉर्ट टर्म डीएमए, यहां पे देखिए, यहां पे आपका 50 एंड 20, 50 इज लॉन्ग टर्म एंड 20 इज शॉर्ट टर्म, 50 इज लॉन्ग टर्म एंड 20 इज शॉर्ट टर्म. तो लॉन्ग टर्म डीएमए को शॉर्ट टर्म डीएमए नीचे से कट करता है. मैं रिपीट कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म डीएमए को शॉर्ट टर्म डीएमए नीचे से कट करता है, उसे कहते हैं क्रॉसओवर. तो 50 को 200 को 50 करता है, उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं. इस तरह से डिफरेंट क्रॉसओवर्स होते हैं आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आप लोग एजुकेटर्स हैं. सिंपल लॉन्ग टर्म डीएमए, अगर आप 500 और 200 को देख रहे हैं तो 500 वाले को 200 वाला नीचे से कट करें, अगर आप 200 और 50 को देख रहे हैं तो 200 वाले को 50 वाला नीचे से कट करें, अगर आप 50 एंड 20 देख रहे हैं तो 50 वाले को 20 वाला नीचे से कट करें. जब वो कट करे और फिर आपके कैंडल उसके ऊपर बने, वो आपकी एक एंट्री पॉइंट होती है, और उसको तब तक आप उसको राइड करते जाएं जब तक वो अपने 9 डीएमए के ऊपर हो. 9 डीएमए के ऊपर उसको राइड करते जाइए, यू विल मेक द मनी. दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड इन्वेस्टिंग जो होती है, जो लोग ट्रेडर हैं उनके लिए बता रहा हूं. अगर आप एक पैसा लगा के बैठ के रोज उसको मॉनिटर कर सकते हैं उनके लिए. ठीक है जसवीर जी, अपना क्वेश्चन बताइए सर. सर एक्चुअली ये पीछे क्लासेस हुई थी तो मैंने भी कोशिश किया, उनको ज्वाइन किया, जो नहीं कर पाया उसके बाद में वीडियोस देखे. तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला सर. तो ये है क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे थोड़ा स्टॉक्स की तो नॉलेज बिल्कुल थी नहीं, कुछ भी सुना ही सुना था, और थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह की भी नॉलेज क्योंकि हम थोड़ा ओल्ड एज हो गए तो कम है. लेकिन वो चार्ट वगैरह जैसे अभी आपने बताए तो वो काफी चीजें समझ आने लगी थोड़ा सा. मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने ना क्या किया, जो हमारी अभी 8 क्लासेस हुई थी बच्चों के लिए, एकदम बच्चों के लेवल पे. अगर कोई ऐसा है आप में से कोई नया है जिसको बिल्कुल नहीं जाना, तो जो 8 क्लासेस बच्चों की हुई थी एक एक घंटे की, उन 8 क्लासेस का एक प्ले लिस्ट बना के मैंने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है. तो अगर आप में से कोई या आपके वाइफ, जैसे आप वर्किंग है, आप वाइफ को बच्चों के लेवल पे, मैं फिर बता रहा हूँ बड़ों के लेवल पे नहीं, उसको मैंने बच्चों के लेवल पे सिखाया, उन बच्चों के लिए जो 11th में बच्चे थे. तो कोई वैसे हो जिनको आपको, तो आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में देखेंगे, वहां पे होगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो वहां पे 8 वीडियोज होंगी. तो आप लोग उसको देख के स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि उससे सब कुछ जान जाएंगे, लेकिन एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी. यस जसवीर जी, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने बीच में आपको टोक दिया. हाँ वही था कि पहले क्या, मैंने भी कुछ स्टॉक्स ऐसे खरीदे कि अंदाजा लगा के अभी नीचे आ गया है ले लो अब ये. तो आपको 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 तो मैंने फिर आपके स्टॉक की छटनी करवाई है आपके, हमारे आप तो मेंटरिंग में है, वो मैंने कर लिया है सर. ठीक है, जो मेंटरिंग वाले हैं उनको तो 1-to-1 सेशन लेके करते हैं हम लोग. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. प्लीज माय हंबल रिक्वेस्ट,
पैसा मार्केट में बहुत है, सीखना है, समझना है, तब इन्वेस्ट सर एक एक अवंती का सर वो बता देंगे टारगेट प्राइस क्या होगा? टारगेट सर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने मेरे पास पहली बात तो आप लोगों को डिस्क्लेमर बताता हूँ, अवंती मेरे पोर्टफोलियो में है, काफी समय से है और मैं इसको कम से कम 600 के ऊपर जाके बेचूंगा, मैं अपना बता रहा हूँ ठीक है, मैं 600 से नीचे वहां पे 600 पे भी जाके देखूंगा क्या करना है, 600 से नीचे तो मैं इसको सोचूंगा ही नहीं, तो रखा हुआ है ठीक है। आई नो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज आप लोग फीडबैक ग्रुप पे जरूर डालेंगे, मैं आपको के फीडबैक टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे जहां भी होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, जितने ज्यादा फीडबैक होते हैं उसे जल्दी से मेरे क्लास लेने का मन करता है ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।